नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज के हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू और टीपीओ का कट ऑफ क्या रहने वाला है यहाँ पे, आंसर की कब तक आपको देखने को मिल जाएगा, सब कुछ एनालिसिस के साथ बात करेंगे। कितने कट ऑफ पे आप अपना फिजिकल तैयारी कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, फाइनली पेपर हार्ड आया था, किस शिफ्ट में पेपर ज्यादा हार्ड था, सब बातों पर चर्चा करने वाले, वीडियो कंप्लीट देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के, लेट्स स्टार्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और आंसर की देखने के लिए पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, उसके बाद आंसर की पाएंगे। तो आपको पता है यहाँ पे 5,62,354 अप्रोक्स यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, फॉर्म भरे गए थे यहाँ पे, ठीक है, जिसमें से बच्चों की उपस्थिति है वो बहुत ज्यादा कम रही है, क्योंकि धीरे धीरे बच्चों की उपस्थिति कम होती जा रही है, ठीक है। हर चीज बात करूंगा फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखना। तो यहाँ पे चीजें वैकेंसी की बात करें तो 857 टोटल वैकेंसी है, जिससे मेल की 573 है, फीमेल की 284 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। अटेंडेंस की बात करो तो अटेंडेंस यहाँ पे 40% अटेंडेंस रहा है, यहाँ पे 2,24,000 यहाँ पे बच्चों की उपस्थिति यहाँ पे रह गई है। और फिजिकल में कम से कम 20 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा, मतलब 17,000 के लगभग यहाँ बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें काफी जो लोग हैं अगर वो तैयारी नहीं करेंगे फिजिकल में, तो फिजिकल में भी काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन रहने वाला है, उसमें भी बाहर होने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। तो फिजिकल तैयारी के लिए आपको एक रॉ स्कोर बताऊंगा कि भाई अगर इतने आपके रॉ स्कोर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप फिजिकल तैयारी में जुट सकते हैं। नॉमिनेशन में किसका ज्यादा फायदा हो सकता है वो मैं बताऊंगा आपको, तो वीडियो कंप्लीट देखें। पेपर के लेवल की बात करूं तो पेपर जो लेवल था यहाँ पे 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर आपका 2 दिन यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट हुआ था, ठीक है। 27 अक्टूबर 28 अक्टूबर का जो थर्ड शिफ्ट था वो पेपर जो था ज्यादा हार्ड था, ठीक है। स्टार्टिंग में फर्स्ट शिफ्ट था उसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं था, मोटे लेवल का पेपर था, लेकिन जैसे पेपर आगे बढ़ता गया शिफ्ट वाइज उसे पेपर का लेवल जो है वो हार्ड होता गया, बच्चों ने बोला है। मतलब बोला गया है कि हमारे को ये बोला गया है कि जैसे काफी बच्चे पेपर देने गए तो उनसे भी हमने पूछा था, तो उन्होंने बोला है कि जो SSC का जो पेपर लेवल है, जो सिलेबस अकॉर्डिंग, उसमें से नहीं आया है, मतलब जो GK साइंस में से जो क्वेश्चन आया है वो 80% जो है टॉप लेवल के पूछे गए हैं। जी हाँ, 80% टॉप लेवल के, जिनको उसके बारे में अच्छा ज्ञान है तो वही उसका आंसर दे सकता है ऐसा है, ठीक है। इसमें सबसे मेन बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं आपको बताऊँ इसका बेनिफिट क्या है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसका मतलब 100 नंबर का पेपर हुआ है आपके, अगर आपको 100 में से अगर मान के चलिए 55 आपके सही आ रहे हैं, बिल्कुल 55, ठीक है, 100 में से 55 आपको लगता है मेरे पूरे सही है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं और 25-30 क्वेश्चन और कर सकता हूं मैं, ठीक है, आप 25-30 क्वेश्चन और करेंगे, उसमें से अगर मान के चलो आपका तुक्का लग जाता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, और इसमें तुक्का काम करेगा, अगर 25 में से भी अगर आपके मान चलो 10 क्वेश्चन भी सही होते हैं तुक्के में, ठीक है, तो आपका तो यहाँ पे कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। आपका 55 और 10 कितना हो गया 65, ठीक है, तो आपके 65+ मार्क्स यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके आ रहे हैं। अब फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना जाएगा वो मैं आंसर की के बाद बताऊंगा, अभी रॉय स्कोर के लिए कितना रह सकता है वो मैं आप जानेंगे, ठीक है। तो ये आपका यह फायदा है कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप 100 में 100 अटेम्प्ट कर सकते हैं, बच्चों ने किए भी हैं, 90-95 तक अटेम्प्ट उन्होंने किए हैं। तो देख लीजिए हार्ड था, हार्ड क्या कहते हैं इसमें बोला है, जो कंप्यूटर था वो इतना हार्ड नहीं था, वो इजी टू हम मॉडरेट कहेंगे हम कंप्यूटर को, ठीक है। और रीजनिंग और मैथ जो है तो कैलकुलेटिव था, तो मतलब उसको मॉडरेट कहेंगे। GK साइंस जो है यहाँ पे हार्ड यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। हर शिफ्ट में ये मान के चलिए कि ये कहीं ना कहीं लगभग बिल्कुल सेम सा ही रहा है, थोड़ा बहुत आपको हार्ड देखने को मिला है जीके साइंस में। आगे बात करता हूं मैं, अब कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, मेल और फीमेल का कट ऑफ कितना रह सकता है, यहाँ पे वीडियो कंप्लीट देखते रहिए, और उसके बाद आंसर की के बारे में कंप्लीट बताऊंगा। आंसर के ऐसा नहीं कि आंसर किस दिन आएगा मैं आपको बता दिया, ठीक है, आंसर किस दिन क्यों आएगा, ठीक है, क्या रूल रहता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो कट ऑफ लेके आ चुका हूं मैं, देख लीजिए जो कट ऑफ है कहीं ना कहीं मेरे मुताबिक रॉय स्कोर अगर इतने आपके आ रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी जुट जाना चाहिए। जनरल जो है 67 अगर आप में इसमें कुछ कम है, अगर मान लीजिए इसमें 3 नंबर या 2 नंबर आपके कुछ कम आ रहे हैं तो प्लीज आप फिजिकल तैयारी कीजिए, क्योंकि इससे कम मुझे लगता नहीं होगा, क्योंकि देख लीजिए 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर पेपर में से अगर कोई बच्चा अगर मान के चलिए 60 क्वेश्चन उससे कंप्लीट सही होते हैं, अगर 40 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करने जाता है उसमें से भी अगर मान लीजिए 10-20 क्वेश्चन सही होते तो कहीं ना कहीं उसके बढ़िया नंबर आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। तो 67 जनरल का कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक ऑब्जेक्टिव है कि आपका यहाँ रॉय स्कोर हो सकता है पूरे पूरे। ओबीसी 65+, ईडब्ल्यू 66+, SC जो है यहाँ पे 62+, और ST है 58, ठीक है। इसमें आप +2 ± 2 कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर आप कितने मार्क्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं इसके आसपास आ रहे हैं आपके, तो आप फिजिकल तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करता हूं मैं ये चीज के बारे में कि फीमेल का कितना जाएगा, देख लीजिए फीमेल का है तो फीमेल का कट ऑफ भी यहाँ पे अच्छा जाने के पूरे पूरे चांसेस है। तो मैं फीमेल की बताऊं, जनरल का फीमेल 62, 58 से 62 के बीच फीमेल का यहाँ पे चांसेस, जी हाँ 58 से, जो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, रॉय स्कोर की बात हो रही है यहाँ पे,
ओनली यहाँ पे रॉ स्कोर की बात हो रही है, अगर आप कितने मार्क्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप फिजिकली तैयारी में जुट सकते हैं। अब नॉर्मलेशन में किसका किसका फायदा होगा बताया तो नॉर्मलेशन में जिस शिफ्ट का पेपर ज्यादा हार्ड था उसमें अगर उन्होंने एक्यूरेसी के साथ पेपर किया है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनका फायदा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करता हूँ आंसर की के बारे में। आंसर की सर बताइए आंसर की कब तक आ जाएगी, आपके जो एग्जाम है यहाँ पे फाइनली मैं बता रहा हूँ आपके पूरा समझिएगा आंसर की के बारे में। 27 और 28 को आपके यहाँ पे एग्जाम कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, तो आप मान के चलिए आईएससी को आंसर रिलीज करने के लिए 12 से 15 दिन का समय यहाँ पे लगता है। जी हाँ, आईएससी का रूल रहता है आंसर की रिलीज करने के 12 से 15 दिन का समय आपको लगेगा आंसर की रिलीज होने में। अब मान के चलिए जब आईएससी का जब पीक पॉइंट होता है, जब मूड रहता है आईएससी का, तो क्या करते हैं एक सप्ताह में आंसर यहाँ पे रिलीज कर देता है। जैसे हमने देखा आईएससी एमटीएस था, ठीक है, उसका एग्जाम 27 जुलाई तक कंप्लीट हुआ, उसकी आंसर की 2 अगस्त तक यहाँ पे आ चुकी। एसएससी फेस 10 का देखा, एसएससी फेस 5 अगस्त को एग्जाम कंप्लीट हुआ, उसकी आंसर की 18 अगस्त को हमें देखने को मिल गई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मान चले एसएससी का रूल था 12 से 15 दिन के बीच, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस एससीएम का, दिल्ली पुलिस ड्राइवर का आंसर की अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो सबसे पहले चांस ये दिल्ली पुलिस एससीएम और ड्राइवर का आंसर की रिलीज होने में, ठीक है, अभी टाइम लगेगा, जिस कारण आपका थोड़ा सा कहने की डिले हो सकता है। ठीक है, डिले हो सकता है मतलब आपका थोड़ा टाइम लगेगा इनके मुताबिक जो है। ठीक है, अगर मैं बता दूं आपका जो एक्सपेक्टेड डेट है आंसर रिलीज करने का, वो मैं आपको ध्यान रखना चाहिए, आज हो चुकी 2 तारीख। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इंतजार करना है 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक बीच आपको यहाँ पे इंतजार करना है। जी हाँ, 10 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच आपको इंतजार करना है। हो सकता है 10 तारीख से पहले पहले और 15 तारीख से पहले पहले आपको अपने आंसर के यहाँ पे रिलीज दिख जाए। आंसर की चेक करने की आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आसानी से चेक कर सकते हैं। आप प्लीज बताइएगा आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और क्या आप फिजिकल में हो सकते हैं फिट, तो प्लीज